हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम आज बात करने वाले हैं क्लास 9 के पॉलिनामियल चैप्टर की। तो पॉलिनामियल में सबसे पहले आता है पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल। व्हाट इज़ पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल? तो उसके एग्जांपल्स हैं इस टाइप की जो चीज़ें देखी होंगी आपने, 2x² 3x+4 x-7 4-2x -x² + x³, ये सारे पॉलीनोमियल हैं। तो बेसिकली इसकी जो रियल डेफिनेशन है, तो पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये एक एक्सप्रेशन है। तो एन एक्सप्रेशन दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनामियल पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल। इसको वन वेरिएबल पॉलिनामियल कहते हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल पावर्स ऑफ एक्स, ये जो भी एक्स की पावर्स हैं, दे मस्ट बी होल नंबर। एक्स की पावर यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर क्या होगी? जीरो होगी। तो सारी पावर्स जो हैं, यानी एन जो है, एन जो है वो एक होल नंबर होगा। एन मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर्स आर कौन कौन से हो सकते हैं? होल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो एन कैनॉट बी एनी अदर नंबर्स देन दिस। तो जैसे ये लिखा है आपके पास, x² - x^2 1/2 + 4, तो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। हु आर पॉलिनामियल्स? दीज आर पॉलिनामियल्स। दिस कैनॉट बी अ पॉलिनामियल। ऐसे ही दूसरा देखिए आप केस, 3x + 1/x। 1/x में x की पावर क्या है? तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो इसको लिख सकेंगे 3x + x^-1। तो इवन दिस इज नॉट अ पॉलिनामियल, ये पॉलिनामियल नहीं है। अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो तो चलेगा, 1/3x² + π/2x -7, ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि कोफिशियंट कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट आर दे? दे आर कॉल्ड कोफिशियंट्स। कौन कौन कोफिशियंट्स हैं? ए जीरो ए वन ए टू ए एन, दे मस्ट बी रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं, जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो स्क्वायर रूट में होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, ये होते हैं रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपके लिए नया है, पर ध्यान रखें इसका मतलब है एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव साइड का बहुत छोटा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जिसको हम जानते भी नहीं। प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड का एक ऐसा बड़ा नंबर जिसको हम जानते नहीं, और उनके बीच के कोई भी नंबर हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, तो वो सारे क्या होंगे? वो सारे ए नॉट से लेके ए एन तक हो सकते हैं। तो पाई बाय टू इसका कोफिशियंट हो सकता है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7 होती है। तो दिस इज अ पॉलिनामियल, दिस इज अ पॉलिनामियल। अब पॉलिनामियल ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे 7x² + इसमें एक टर्म मिस कर दी। कौन सी वाली टर्म मिस कर दी? एक्स वाली। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका कोफिशियंट क्या होगा? अगर वो मिसिंग है तो उसका कोफिशियंट क्या होगा? जीरो होगा। तो वो ऐसी होगी, वो इस टाइप की होगी, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा।
तो ये क्या कहलाते हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन आर कॉल्ड कोफिशियंट। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू का क्या है, तो एक्स टू द पावर एन माइनस टू से क्या मल्टीप्लाइड है, देखो आप ए टू, तो इसका कोफिशियंट क्या बन गया अपना ए टू। जैसे इस केस में हमसे कोई पूछेगा कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स से क्या मल्टीप्लाइड है, पाई बाय टू, तो एक्स का कोफिशियंट पाई बाय टू हो गया। अगर इसमें किसी ने पूछा कि व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसमें मिसिंग है, इसमें एक्स क्यूब मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब का कोफिशियंट कौन होगा, जीरो, और इसको ऐसा लिख दिया वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय टू एक्स माइनस सेवन। अगर आपसे पूछे कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव क्या है, जितनी भी ऊंची पावर है उन सबके कोफिशियंट क्या है, तो उन सबके कोफिशियंट क्या है, उन सबके कोफिशियंट से जीरो। तो ये इनके कोफिशियंट्स थे। पॉलिनामियल में आपने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनामियल, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनामियल, जिसमें एक्स की पावर का ध्यान रखना है, एक्स की पावर ना तो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स की कोई पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, हम पॉलिनामियल कहते हैं। वो हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, जैसे आपने लिखा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट सेवन एक्स क्यूब माइनस टू, दिस कैन बी अ पॉलिनामियल। व्हाई दिस कैन बी अ पॉलिनामियल, क्योंकि जो इसका कोफिशियंट है वो स्क्वायर रूट में है, वो फ्रैक्शन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट में है कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स माइनस टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो सकता है, ये एक पॉलिनामियल हो सकता है। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब होगा पॉइंट टू, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा सेवन, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, मिसिंग है। तो इसमें अगर किसी ने पूछा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो। कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो मालूम है आपको वन होता है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा। इसमें इस वाली टर्म को जिसमें एक्स टू द पावर जीरो हो उसको कहते हैं इसकी कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म की पावर क्या होती है, कॉन्स्टेंट टर्म में एक्स की पावर क्या होती है, देखिए तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म में एक्स की पावर क्या होगी, तो कॉन्स्टेंट टर्म में एक्स की पावर होगी जीरो। क्लियर। अब एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं जो पॉलिनामियल है, तो पॉलिनामियल के लिए आप देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब बाय टू एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस वन बाय फोर, तो कैन दिस बी अ पॉलिनामियल, यस दिस कैन बी, व्हाई, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, तो ये एक पॉलिनामियल है, ये एक पॉलिनामियल है, क्योंकि इसके जो कोफिशियंट्स है, इसके जो कोफिशियंट्स है, क्या है इसके कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स रियल नंबर्स हैं, तो ये एक पॉलिनामियल है। और ये पॉलिनामियल किसमें है, पॉलिनामियल है, और पॉलिनामियल है वन वेरिएबल में। अगर पॉलिनामियल टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स तो होंगे, तो पॉलिनामियल इन टू वेरिएबल्स में, एक आपको लिख के बताता हूं, पॉलिनामियल इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनामियल इन टू वेरिएबल्स कैसा होगा, तो पॉलिनामियल इन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है। जैसे हमने दो ले लिए वाई और एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, ये कैसा हो गया पॉलिनामियल, पॉलिनामियल इन टू वेरिएबल हो गया। अगर अपने को बोलेंगे पॉलिनामियल इन थ्री वेरिएबल, तो हम ले सकते हैं उसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू वाई, इस टाइप का कोई, तो ये कैसा हो गया पॉलिनामियल इन थ्री वेरिएबल्स। इसमें पॉलिनामियल कैसे होंगे, तीन वेरिएबल्स में होंगे। अब पॉलिनामियल आप जरूरी नहीं कि वो एक्स में ही लिखा हो,
वो वाई में लिखा हो सकता है, वो जेड में लिखा हो सकता है, इसलिए पॉलिनामियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ एक्स, इसका मतलब पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल एक्स। अगर पी ऑफ वाई या क्यू ऑफ वाई लिख दे कोई, क्यू ऑफ वाई, तो इसका मतलब है पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल एंड वेरिएबल इज वाई। अगर उन्होंने लिख दिया आपको टी ऑफ आर, पॉलिनामियल इन वन वेरिएबल इन आर, आर में पॉलिनामियल। देखो इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस 4। अब क्यू वाई लिखा है, इसमें अपन ने केवल वाई स्क्वायर लिखा, इवन दिस इज अ पॉलिनामियल। टी ऑफ आर में हमने लिख दिया 7 माइनस आर, दिस इज अ पॉलिनामियल। क्यों? क्योंकि आर की पावर क्या है, 1 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें कितनी पावर, 1 है। तो ये कैसी पावर है, ये जो भी x है, जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स है, x जो वेरिएबल है, इसको वेरिएबल कहेंगे। x को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो इसमें x की जो पावर है वो क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ y की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे r की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब जिससे दीज ऑल आर पॉलिनामियल्स, ये सारे पॉलिनामियल्स हैं। और पॉलिनामियल्स किस में है, पॉलिनामियल्स वन वेरिएबल में है, पॉलिनामियल्स वन।